हेलो एंड वेलकम टू हेयरड्रेसर्स जोन। आई एम तुनियाल और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लोरियल एक्सटेंशन की क्रीम के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि रेजिस्टेंट का इस्तेमाल कब करना है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कब करना है और रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, तो सब बताने वाला हूँ डिटेल में आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जो देखना, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सैलून एंड हेयर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो रेजिस्टेंट का मतलब है किसी चीज़ को होने से रोकना और हेयर साइंस में रेजिस्टेंट का मतलब है हेयर में मॉइस्चर को ऐड होने से रोकना। तो ऐसा हेयर जिसमें मॉइस्चर इजीली पेनिट्रेट नहीं हो पाता, क्यूटिकल सरफेस पे आके रुक जाता है, उसे हम रेजिस्टेंस हेयर कहते हैं। ये अपोजिट है पोरोसिटी के। अब पोरोसिटी में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इसे जाके देख सकते हैं। वैसे तो ये एक्सटेंशन स्मूदनिंग क्रीम है, जो इसके चार प्रोडक्ट आते हैं, रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, नॉर्मल हेयर और सेंसिटिव हेयर। बट इंडियन मार्केट में आपको दो ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, रेसिस्टेंस और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस। दोनों ही बने हैं एक हेल्दी हेयर के लिए। तो अभी जान लेते हैं ये कब यूज़ करने हैं और किस सिचुएशन में। तो पहले मैं आपको बता दूँ रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कब करना है। तो अगर आपके क्लाइंट के हेयर वर्जन हेयर हो या फिर क्लाइंट के हेयर में कोई कलर हुआ हो विदाउट पी लाइट, कोई भी ग्लोबल किया हो, तब आप रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी हेयर हो, फाइन हेयर हो, चाहे थिक हेयर क्यों ना हो, वर्जन हेयर हो, तब भी आप रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सिचुएशन ये होनी चाहिए कि हेयर ज़्यादा ड्राई डैमेज ना होना चाहिए। अगर हेयर क्लाइंट का बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज है तो आपको एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप रेसिस्टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर अगर आप एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट करते हैं तो डैमेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रेसिस्टेंस का इस्तेमाल आप वर्जन कलर्ड हेयर पे कर सकते हैं, अगर पी लाइट किया ना हो तो। अब एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस का आपको इस्तेमाल करना है हीना कोटेड हेयर पे या फिर वर्जन हेयर हो, बहुत थिक हेयर हो, आप उस पर भी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके कुछ क्लाइंट जो बॉक्सेस वाले कलर यूज़ करते हैं उनमें भी आप एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिचुएशन ये होनी चाहिए कि क्लाइंट का हेयर वर्जन हो या फिर हीना कोटेड हेयर हो। अगर फाइन हेयर है तब आप रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस इस्तेमाल करना होगा। अब एक क्वेश्चन और था कि न्यूट्रलाइजर हम दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर है इसका यस, कर सकते हैं। सेम फॉर्मूले से बनेंगे। जो सेकंड प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं हेयर के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो आप किसी दूसरे ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर आपको सैलून एंड हेयर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही हर हफ्ते मिलती रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी चैनल पर किसी और वीडियो के साथ। बाय।